अस्सलाम वालेकुम, आई एम नज़र नियाज़ी। आज का हमारा टॉपिक है स्पायरोकीट्स। द स्पायरोकीट फ्रॉम द ग्रीक फ्रॉम द क्वाइल हेयर, दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किस तरीके से होते हैं? क्वाइल्स की तरह होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोज बैक्टीरिया दे हैं वीक लेस कंसनट्रेशन ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन, जिनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की कंसनट्रेशन कम होती है, ऑलमोस्ट 10% होती है। इलोंगेटेड मोटाइल्स एंड हेलिकली कॉयल एंड फ्लेक्सीबल्स ऑर्गेनिज्म विद वन आर द मोर कम्प्लीट टर्न इन द हेलिक्स, के इलोंगेटेड होते हैं और मोटाइल्स यानी कि इनके साथ फ्लैजेला होते हैं जो कि हेल्प आउट क्या करते हैं मोमेंट्स में और फूड को इंट्रैप करने में, और क्वाइल्स की तरह फ्लेक्सिबल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो फ्यूजन्स के जरिए होती है, और इसकी जो विड्थ है यानी कि कितने चौड़े होते हैं 0.1 से 3 माइक्रोमीटर्स एंड 5 to 250 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंस हैं। व्हाट इज सिफिलिस? सिफिलिस इज स्टेमिक्स सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज बाय द ट्रिपोनियमा ब्लाइडियम बैक्टीरियम। कि सिफिलिस जो है वो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि किसकी वजह से होती है? सेक्स की वजह से जो है स्प्रेड होती है, जो कि किसकी कौन काज करता है? उसका नाम बैक्टीरिया काज करता है, और उसका नाम क्या है? ट्रिपोनियमा ब्लाइडियम। ठीक है, एमसीक्यू उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सी है, कौन सा बैक्टीरिया काज करता है, या एसटीडी स्टैंड क्या करता है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। किस तरीके से स्प्रेड होती है? पर्सन टू पर्सन बाय द वेजियनल एनल्स एंड ओरल सेक्स थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सिफिलिस जेंट्री। के पर्सन से पर्सन, ठीक है, मेल्स के अंदर से फीमेल्स के अंदर मोस्टली जो है वेजियाना की वजह से या अनल सेक्स करने की वजह से या ओरल सेक्स करने की वजह से होते हैं। वैसे ये चीज़ें जो हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर मुस्लिम्स तो अलाउ नहीं होती। मोस्टली इसके केसेस जो हैं वो बाहर यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे उनकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती उनमें बहुत ज़्यादा ये डिजीज़ स्प्रेड होती है। पर्सन टू पर्सन ड्यूरिंग द फोर प्ले मोस्टली किसिंग की वजह से और क्लोज होने की वजह से और इस तरीके से जो है इंटरकोर्स करने की वजह से जो है ये स्प्रेड हो जाती है। प्रेग्नेंट मदर विद द सिफिलिस टू फीटस, के इफ़ मदर इज़ इन्फेक्टेड विद द सिफिलिस, ठीक है, अगर माँ जो है वो सिफिलिस की डिज़ीज़ की वजह से इन्फेक्ट है तो वो बेबीज़ के अंदर भी डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड हो जाती है। मॉर्फोलॉजी, दीज आर द थ्री जेनरा हुज द मेंबर्स आर द ह्यूमन पैथोजन ट्रिपोनियमा, ठीक है, ट्रिपोनियमा प्लाज्मोडियम। इसकी जो है ये किस तरीके से हैं ये देखें, ज़िगज़ैग मूवमेंट्स में, क्वाइल शेप में, फ्लेक्सिबल्स हैं, और बोरीला और लेप्टोस्पेरा, ठीक है। इनको हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिपोनियमा पे है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है मोस्टली 3 वीक्स तक होता है। ट्रिपोनियमा कैन नॉट बी सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप इन द वेट फिल्म्स बट कैन बी मेड आउट बाय द नेगेटिव स्टेन्स विद द इंडियन इंक, ठीक है, कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो नज़र नहीं आता। इट्स मॉर्फोलॉजी एंड मोर्टेलिटी कैन बी सीन इन द डार्क ग्राउंड्स आर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, उसमें कहते हैं डार्क जिसके अंदर बैकग्राउंड डार्क होता है और ऊपर से शाइन करती हुई या इस तरीके से जो है बैक्टीरिया नज़र आता है। इट डज़ नॉट टेक द ऑर्डिनरी बैक्टीरियल स्टेन बट स्टेन लाइट रोज रेड विद प्रोलॉन्ग जिंजर स्टेन्स। ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है? प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिट फ्रॉम द स्पायरोकीट कंटेनिंग द लीजन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, माउथ, रेक्टम, जेनिटल ट्रैक्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर इन्फेक्टेड बाय द क्लोजर कॉन्टैक्ट। इफ, ठीक है, एक पर्सन है फॉर एग्जाम्पल मेल, अगर इस क्या नाम है स्पायरोकीट्स जो के सिफिलिस डिजीज़ है ट्रिपोनियमा प्लाज्मोडियम काज करते हैं, ठीक है, इस बैक्टीरिया की वजह से अगर कोई बंदा बंदी जो भी है मेल है फीमेल इन्फेक्टेड है, जब वो क्लोज आते हैं इंटरकोर्स करते हैं तो उस दौरान जो है ये इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होना शुरू हो जाता है स्किन के ज़रिए से, स्किन लीजन्स म्यूकस मेम्ब्रेन से एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होने और क्लोज आने की वजह से। इट कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम द प्रेग्नेंट वूमन टू देयर फीटस, कि अगर मदर्स, वही बात है कि मदर अगर जो
इन्फेक्टेड है तो वो बेबीज़ के अंदर भी उस तरीके से स्प्रेड होते हैं। रियली ब्लड फ्रॉम फ्यूजन्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द अर्ली सिफिलिस इज आल्सो इन्फेक्शियस। अगर आप ब्लड इफ कोई पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है ट्रिपनीमा प्लमोडियम से सिफिलिस डिजीज से, तो अगर वो ब्लड डोनेट करता है तो उसमें भी चांसेस होते हैं क्योंकि इन्फेक्शन उनसे किस चीज़ के दूसरे पर्सन्स के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड होने के। ट्रिपोनीमा प्लास्मोडियम इज प्लेमोडियम इज अ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ओनली, देयर इज नो एनिमल रिजर्वायर। ठीक है, एम सी क्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये किसी एनिमल्स के अंदर भी इन्फेक्शन काज करते हैं, तो नहीं, ये ह्यूमन्स के अंदर ही ये बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन काज करता है। ट्रिपोनीमा प्लमोडियम प्रोड्यूस नो इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स आर एंजाइम द ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट द एंडोथीलियम ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल एंड कॉजिंग द एंडोकार्डाइटिस। दिस अकर ड्यूरिंग ऑल द स्टेज ऑफ द सिफिलिस बट इट इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द ब्रेन एंड कार्डियोवास्कुलर लेजन सीन इन द ट्रशरी सिफिलिस। ठीक है, कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वो कोई टॉक्सिन्स रिलीज नहीं करता या कोई ऐसा एंजाइम नहीं रिलीज करता, लेकिन वो जो एंडोथेलियल सेल्स हैं स्मॉल्स हैं उनको और ब्लड वेसल्स को क्या है रेप्चर्स हो जाती हैं इसकी वजह से, क्योंकि जब बैक्टीरिया ब्लड के अंदर इंटर हो जाता है, ठीक है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू क्या है बॉडी के अंदर मूव करता है। जब मूव करता है तो वो बॉडी के ऑर्गन को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। तो मोस्टली तीसरी इसकी डिफरेंट स्टेज है प्राइमरी सेकेंडरी एंड ट्रशरी। तो ट्रशरी स्टेज के ऊपर जो है बॉडी के जो लार्ज ऑर्गन्स हैं ब्रेन हैं कार्डियोवास्कुलर उनकी लीजन इन्फेक्ट होना शुरू हो जाती है और उसमें भी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। प्राइमरी स्टेज द प्राइमरी सिफिलिस द स्पैरोकिट्स मल्टीप्लाई एट द साइट ऑफ द इनोकुलेशंस द लोकल एंड नॉन टेंडर अल्सर टेंक्री यूजली फॉर्म इन 2 to 10 weeks। कि प्राइमरी स्टेज के अंदर जो है जो स्पैरोकिट्स जो हैं वो क्या है मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें क्या है हो जाता है एंक्री का मतलब ये है कि पेनलेस लीजन्स हो जाती हैं। आपने कभी वो देखो कि माउथ के अंदर अल्सर हो जाता है, ठीक है, मुंह के अंदर अल्सर हो जाता है येलोइश कलर की ब्लिस्टर फॉर्मेशन बन जाती है, लेकिन वो पेनलेस होती है और कुछ दिनों बाद खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से जो है वो प्राइमरी सिफिलिस स्टेज में मेल और फीमेल्स के वजाइना के ऊपर जब उस स्किन की वो लीजन बनना शुरू हो जाते हैं ब्लिस्टर होना भी और मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं उसके ऊपर भी जो है लीजन बनना शुरू हो जाते हैं। द अल्सर हील्स स्पेटेनियसली बट स्पैरोकिट स्प्रेड वाइडली टू द ब्लड स्ट्रीम बैक्टीरियंस टू द मैनी ऑर्गन्स। के कुछ टाइम के बाद 2 to 10 weeks के बाद जो है ये प्राइमरी सिफिलिस की वजह से जो अल्सर फॉर्मेशन बनी होती है पेनलेस होती है, तो हम इसका अपना बॉदर भी नहीं किया जाता, तो वो क्या होते हैं वो हील हो जाती है। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के अंदर डिफरेंट ऑर्गन के अंदर जो है स्प्रेड हो जाता है। सेकेंडरी स्टेज द मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग अलग है, इन्फेक्शियस स्टेज होती है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी सिफिलिस रिजल्ट फ्रॉम द सिस्टेमिक स्प्रेड ऑफ दिस इन्फेक्शियस व्हेन ट्रिपनीमा मल्टीप्लाई इन द लिम्फ नोड एंड द लिवर्स एंड मसल्स स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। कि सेकेंडरी स्टेज में बैक्टीरिया जो है वो स्प्रेड होता है और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है लिम्फ नोड्स के अंदर लिवर्स और मसल्स और म्यूकस में सब इन ऑर्गन्स को इफेक्ट करना शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स ऑफ द सेकेंडरी सिफिलिस इंक्लूड लो ग्रेड फीवर्स माइलेज एंड नोसिया वेट लॉस हेडेक माइलेज एंड जनरल लिम्फेनोपैथी। इसमें क्या है आपको बहुत ज़्यादा जैसे ही बैक्टीरिया फॉर जो है ब्लड के अंदर इंटर हो चुका है ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, फीवर होता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाते हैं, हेडेक होना शुरू होते हैं और लिम्फ नोड जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। 2 to 3 months जो है लीजन जो है टाइम्स लेती हैं इसको भी हील होने में। द लेटेंट पीरियड्स कैन बी डिवाइडेड इन टू द अर्ली एंड लेट स्टेज। अर्ली लेटेंट स्टेज पीरियड्स जो होते हैं इन द अर्ली लेटेंट पीरियड विच कैन बी लास्ट फॉर 1 to 2 years आफ्टर द सेकेंडरी स्टेज द सिम्टम्स ऑफ द सेकेंडरी सिफिलिस कैन रीअपीयर्स एंड पेशेंट कैन इन्फेक्ट द अदर्स। के
अर्ली लेटेंट स्टेज में क्या होता है, एक या दो साल के बाद जो स्कैंड्री लीजन सिम्टम्स होती हैं सिफिलिस की, वो दोबारा से आना शुरू हो जाती हैं और पेशेंट इन्फेक्ट कर सकती हैं। उसकी वजह से दूसरे भी हैं, पार्टनर्स को भी इन्फेक्ट किया जा सकता है, हो सकता है। और लेटेंट स्टेज में जो है, इन द लेटेंट पीरियड विच कैन लास्ट फॉर मेनी ईयर्स, नो सिम्टम्स अकर एंड पेशेंट आर नॉन इन्फेक्शियस। इन द रिमेनिंग 1/3 ऑफ द पीपल द डिजीज प्रोग्रेस टू द टर्शियरी स्टेज, कि इस स्टेज में मोस्टली कई साल लग जाते हैं, सिम्टम्स कोई नहीं होती है और पेशेंट्स नॉन इफेक्शियस होते हैं कि उसकी वजह से दूसरों को स्प्रेड नहीं हो रहा होता है। लेकिन द ट्रशी सिफिलिस मे बी शो द ग्लोमेरुलस, यानी कि जो एग्रीगेशन हो जाती है सेल्स की एंड स्पेशली ऑफ द स्किन बोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, आल्सो नोन एज न्यूरोसिफिलिस, कार्डियोवास्कुलर लेजन्स जो है के बोन्स के ऊपर, स्किन्स के ऊपर, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका ब्रेन है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसकी लीजन्स के ऊपर इफेक्ट होना चाहिए, न्यूरोसिफिलिस होना चाहिए और कार्डियोवास्कुलर लीजन्स जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। इन द ट्रशियरी लीजन ट्रेपोनिमा रियली सीन्स, कि ट्रशियरी स्टेज का जो है वो कम ही होते हैं इस तरह की कंडीशंस। कोनोजेनिटल सिफिलिस के जो कि मदर से बेबीज के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, इफ़ मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम सिफिलिस तो वो क्या है, बेबीज के अंदर जो है इंटर हो जाते हैं। द ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिट अक्रॉस द प्लेसेंटा टिपिकली आफ्टर द 3rd month ऑफ द प्रेगनेंसी एंड द फीटल इन्फेक्शन कैन एंकर, ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की उन बेबीज़ के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं, उनके जो स्किन और बोन्स लीजन होना शुरू हो जाती हैं और मोलर और नोज शेडेड हो जाती है। किस तरीके से वो देखते हैं, देखें इस इन स्पेश बच्चों के जो टीथ होते हैं इस तरीके से होते हैं, ठीक है, मोलर देखें और नोज और इनकी जो लिप्स हैं इनकी और नोज की, ये देखो शेप्स अजीब सी हो जाती है, शेडेड टाइप के नोज हो जाते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, स्पैरोक्यूट्स आर डेमोन्स्ट्रेटेड इन द लीजन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिफिलिस सच एज चेंक्री और कैनिलोमेटा बाय द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। कि सिंपल सी बात यह है कि जो लीजन्स बनती हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पे बॉडी के जिस पार्ट पे, यूरोजेनिटल ट्रैक पे बनी है, लिप्स पे बनी है, बॉडी पे बनी है, तो वहाँ से हम सैंपल्स लेते हैं और उसकी क्या करते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करते हैं और उसमें देखते हैं। दे आर नॉट सीन ऑन द जिम्सा स्टेन स्मीयर्स के, या ग्राम स्टेन स्मीयर्स के ऊपर जो है, जो ग्राम स्टेनिंग जो टेक्निक मैंने बताई थी कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बेसिकली किस लिए करते हैं, हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये कौन सा बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लेकिन इसके लिए हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक नहीं करते हैं और बायोप्सी करते हैं। फॉर एग्जांपल वो पेशेंट जो है वो सीवियर कंडीशन, उसके ऑर्गन्स जो हैं वो इफेक्ट हो गए हैं, तो उससे हम क्या है बायोप्सी करेंगे और हिस्टोपैथोलॉजी के जरिए हिस्टोटेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, सिल्वर स्टेन्स और फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज को यूज़ करके उसको देखेंगे। और हॉल सीरोलॉजी नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट, दिस टेस्ट इन्वॉल्व द यूज ऑफ द नॉन ट्रिपोनिमल एंटीजेंस, वेजरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी और रैपिड प्लाज्मा रीकन टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडीज के एंटीजेंस एंटीबॉडी का रिएक्शन देखते हैं। VDRL टेस्ट जो है लैब्स के अंदर मोस्टली होता है, इसके लिए किट आती है और इसके लिए RPR जो है वो भी किट आती है और उसके लिए हम ये एंटीजन एंटीबॉडीज का टेस्ट देखते हैं। द टेस्ट ऑफ पॉजिटिव इन द मोस्ट केसेस ऑफ द प्राइमरी सिफिलिस एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज पॉजिटिव इन द सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी की स्टेज पे जो इन्फेक्शन होता है सिफिलिस का उसमें तो पॉजिटिव आती हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सेकेंडरी स्टेज में लाजमी आ जाती हैं। द टाइटल ऑफ दिस नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिक्रीज विद इफेक्टिव ट्रीटमेंट, अगर हम इनका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करें तो मीन्स के इनके जो टाइटर्स जो कंसंट्रेशन है वो लॉस हो जाती है। थैंक यू सो मच। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है।
और अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं उस बॉक्स के अंदर, कमेंट्स बॉक्स में।